दोस्तों पेन टूल की क्लास हम लोगों ने पिछली बार पढ़ी थी और उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि फंडामेंटल्स क्या हैं पेन टूल के, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, फीचर्स हैं, वो सब सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने और बहुत अच्छे डायग्राम्स हम लोगों ने बनाए थे, डिज़ाइंस बनाए थे। इस बार की जो क्लास है, जो इस बार मैं लेके आया हूँ पेन टूल 2 में, इसमें कुछ थोड़े से ट्रिक्स हैं, थोड़े से टिप्स हैं और पेन टूल के यूज़ करके हम कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ बहुत अच्छे अच्छे, ये भी बनाएंगे हम। और एक चीज़ रह गई थी पहले वाले पेन टूल के पार्ट में, वो चीज़ भी मैं कवर करूँगा, तो उसको देखने के लिए आप पूरी वीडियो आराम से देखिएगा और पूरी देखिएगा। तो मेरा नाम मोहम्मद तंजीम है, आप देख रहे हैं डिज़ाइन बनाओ, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा था आपको कि पिछली बार मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, मतलब छूट गई थी मुझसे, जो पेन टूल था पिछली वाली क्लास, उसमें ये था कि पेन टूल के बारे में मैंने आपको ये जो आइकन बताया था, इसमें आपको अगर ऐड करेंगे तो इसमें आपको 4 आइकन्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एक फ़ीचर और है यहाँ पे, ये कर्वेचर टूल, ये कर्वेचर टूल रह गया था, ये भी पेन टूल का ही एक पार्ट है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत ही छोटी चीज़ है ये। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि पेन टूल का आपको मैं हल्का सा जल्दी से मैं वो रिव्यू कर देता हूँ ताकि आपको फिर से वो चीज़ याद आ जाए। तो अगर पेन टूल से मैंने बताया था कि आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कहीं भी, तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्लोज बन जाता है, या आप इसको क्लिक करके यहाँ पे शेप बना सकते हैं, हैंडल घुमा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पिछली वाली क्लास आप लोग जाके देखिए, उससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से ईजी वे में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये कर्वेचर टूल क्या है, कर्वेचर टूल में क्या है कि जैसा कि नाम है, ये कर्वेचर है, तो ये कर्व बनाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, जैसा कि पेन टूल में हम स्ट्रेट और कर्व दोनों बनाते हैं, इसमें ये सिर्फ कर्व बनाता है। जैसा मैंने कर्वेचर टूल को क्लिक किया यहाँ पे, और आप देखेंगे कि क्लिक करने के बाद मुझे स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, ये कर्व ही बनाता है। फिर मैं अगला पॉइंट कहीं और क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं क्लिक करके ये बस ऐसे ही घुमाता हूँ, तो ये आपको एक कर्व मिलता है, ठीक है, ये कर्व मिलता है। फिर मैं अगला पार्ट कहीं क्लिक करता हूँ कि कर्व बनाता ही जाता है, इसमें मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। तो ये इलस्ट्रेटर ने एक ऐसा फीचर दिया हुआ है जिससे कि अगर आप कोई राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो वो आपको इजीली ये कर्वेचर टूल से बनाने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये जल्दी से मैंने रिकैप करा दिया आपको और वो वाली चीज़ कवर की है जो पिछली बार छूट गई थी। अब हम आते हैं जो अपना ऑब्जेक्ट्स है मेरा, वो इस बार हम बनाते हैं और आपको कुछ एक नई चीज़ भी बताऊंगा मैं पेन टूल में ही उस ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त, ठीक है। तो सब पहली चीज़ जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है सुपरमैन का लोगो। सबसे पहले जा रहा हूँ, मैंने सुपरमैन का ये लोगो लिया हुआ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा और आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली इसको इलस्ट्रेटर में ले जाने के लिए आप इस इमेज को कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, आप सीधा कॉपी करके आप इलस्ट्रेटर में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये छोटा आ रहा है, इसको तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट एल्ट करके क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इस पर हमको वर्क करना है, इसको ये करना है। ये थोड़ा सा पिक्सलेट फॉर्म है क्योंकि JPG है, जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा पिक्सल होगा जैसा मैंने बताया था। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि ये जो मेरा JPG फॉर्मेट है, इसमें आपको ये ब्लू कलर की डायगनल क्रॉस लाइंस दिख रही हैं। ये इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आपने यहाँ पेस्ट तो कर दिया है, बट ये इलस्ट्रेटर में अभी एम्बेड नहीं हुआ, एम्बेड मतलब कि इलस्ट्रेटर में ये अच्छी तरीके से अंदर आया नहीं है। तो अभी आपको इसको क्लिक करना है और इसको आपको एम्बेड करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एम्बेड, आप एम्बेड करेंगे तो एम्बेड करने से कोई भी जो इमेज होती है वो इलस्ट्रेटर के आर्टबोर्ड में आ जाती है, जो वाइट आर्टबोर्ड है। मैं इस पर क्लिक किया और आप देखेंगे ब्लू लाइन हट गई और ये इसमें आ चुका है, ठीक है। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये जो लोगो है, ये लोगो तो वैसे ही ये है रेस्टर फॉर्म में, मतलब ये पिक्सल फॉर्म्स है, मुझे इसका ही डुप्लीकेट बनाना है, इसको ट्रेस करके एक वेक्टर बनाना है और आप डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस आएगा, और वो भी सब पेन टूल से ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बस फॉलो करते जाइए मुझे और आप इजीली बना लेंगे इसको विद इन मिनट्स, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ बनाने से पहले मैं आपको ये हल्का सा बता देना चाहता हूँ कि लेयर्स क्या होते हैं। इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लेयर यूज़ करेंगे। लेयर्स क्या होते हैं, लेयर्स ये होते हैं कि अगर आप एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखते हो, जैसे कि आप लकड़ी का गट्ठा रखते हो एक के ऊपर एक चीज़, तो वो एक स्टैक होता जाता है, उसी तरीके से लेयर होता है। लेयर पर अगर मैं कोई चीज़ बनाऊँगा, सपोज़ मैं येलो कलर का एक लेयर रखता हूँ, उसके ऊपर रेड रखता हूँ, उसके ऊपर एक ब्लू रखता हूँ, तो वो एक लेयर बनता जाता है और हमें डिज़ाइन उस तरीके से दिखती है। तो हम इसको बनाने के लिए लेयर का ही यूज़ करेंगे।
लेयर के लिए क्या होता है कि आप विंडो में जाके यहाँ से लेयर ले सकते हैं, ये लेयर आ जाता है और मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, इस कलर का शेप रहता है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे लेयर खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इमेज पेस्ट किया हुआ है, तो आपको ये दिखेगा लेयर वन में ये इमेज पेस्ट है। अच्छा, इसमें एरो भी है, तो ये एरो क्या कहता है, इसमें दो पार्ट आ गया, एक ये होता है ये लेयर और ये होता है सब लेयर, क्योंकि सिर्फ एक ही इमेज है इस पूरे आर्ट बोर्ड में, इसलिए ये लेयर के अंदर सब लेयर भी वही इमेज दिखा रहा है। अच्छा, इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसकी लेयर की क्लास मैं बाद में आराम से बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में, अभी के लिए आप ये समझिए कि मुझे हमें लेयर पे काम करना है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे इस लेयर का ही डुप्लीकेट लेके वेक्टर बनाना है, तो मुझे इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं इसको वापस क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको सिंपली इसको इसके ऊपर ट्रेस करने के लिए हम सिंपली ये थ्री लाइंस की जो बटन है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट पर जाएंगे। टेम्पलेट पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने क्लिक किया ये चेंज हो गया, इसका कलर थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ब्लर्ड हो गया। ये इसलिए हुआ है कि ये जो आपको बता रहा है ये रेक्टेंगल, ये आपको ये बताता है कि ये आप टेम्पलेट व्यू में आ गए हैं, आपकी ओपेसिटी कम हो गई इस इमेज की और ये लॉक हो गया, मतलब इस पर आप कुछ अब कोई चीज़ वर्क नहीं कर सकते हैं। ये जो बटन दिखाता है ये लॉक बताता है और ये आपको बताता है कि टेम्पलेट मोड में है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ आ गई, अब हमें न्यू लेयर पे काम करना है। हम यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर करेंगे, आप देखेंगे वाइट एक न्यू लेयर आ गया है, इसके ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको ट्रेस करना चाहते हैं, तो हम शुरू करेंगे पेन टूल से। अब मैंने यहाँ से पेन लिया, पेन को क्लिक किया, याद रहे इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ हमेशा, और क्योंकि मुझे अभी फिल नहीं चाहिए तो मैं फिल को क्रॉस कर देता हूँ, स्ट्रोक मेरा ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपकी स्मार्ट गाइड्स ओपन होनी चाहिए, जो ये पर्पल कलर की आ रही है, नहीं आएगी तो आप यहाँ से जैसा मैं हमेशा बताते आया हूँ आप व्यूज़ में जाके स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ से देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये पूरा ये डायमंड शेप का जो है ये ऑब्जेक्ट, ये डायमंड शेप पहले मुझे बनाना है। मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव क्या करना है हमें, पहले मैं ये डायमंड शेप बनाऊंगा, उसके बाद ये जो येलो पार्ट्स हैं अलग अलग आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 येलो पार्ट्स मैं पेन टूल से बनाऊंगा और ये डायमंड शेप भी पेन टूल से बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डायमंड शेप बनाने जा रहा हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट लाइन, इसको भी क्लिक किया, ये भी क्लिक किया यहाँ पे और ये क्लोज हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर फिल कुछ नहीं है, हम इसको फिल कर देते हैं रेड कलर से। अच्छा, अभी रेड कलर से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं टेम्पलेट क्यों बनाया हूँ, क्योंकि मुझे ये रेड कलर जो पीछे है वही रेड कलर मुझे अपने इस जो क्लोज्ड पाथ अभी बना है लेयर टू उसमें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं आपका फिल ऊपर रख रहा हूँ, देखिए ये ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप इस तरीके से स्ट्रोक करेंगे और इस पर कुछ कलर भरेंगे तो आपका स्ट्रोक में आपके स्ट्रोक में वो फिल हो जाएगा, इसलिए आपको फिल ऊपर रखना है इसको क्लिक करके। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर जो रेड है वही कलर पिक होके मेरे इस ऑब्जेक्ट में आ जाए जो क्लोज हुआ है, तो मैं कलर पिकर या आई ड्रॉपर लूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये रेड हो गया है, क्योंकि यही मेरा ऑब्जेक्ट था जो अभी मैं बनाया था। ठीक है, मैं लेयर पे गया, अब मुझे क्या करना है कि मैंने इसको लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक करने के बाद अब मैं इस पर काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है, मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर किया, इसके ऊपर आ गया और अब मुझे पीछे की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो ठीक है क्योंकि ये रेड लेयर जो है मेरा डायमंड ऊपर आ गया है, इसलिए ये चीज़ जो नीचे है वो नहीं दिख रही है। तो ये जो आपकी आई बटन है आप उसको क्लिक करिए तो आपको वापस दिख जाएगी जो पीछे की चीज़ें थी, क्योंकि ये लेयर टू डायमंड शेप बंद हो गया है, मतलब ये आप समझ लीजिए आई है ये क्लोज हो गई है, इसलिए आपको पीछे की चीज़ दिख रही है। अच्छा, अभी जो न्यू लेयर है वो ब्लैंक है, इस पर हमें बनाना है ये जो छोटे छोटे लेयर्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको भी हम पेन टूल से बनाएंगे, आप देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, यहाँ से जूम कर लिया, पेन टूल उठाया मैंने, ये डिफ़ॉल्ट कर लिया, अभी मुझे ये फिल नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक कर दिया। देखिए, अगर मैंने जैसा बताया था, अगर आपको यहाँ पे राउंडेड आ रहा है, आपको कॉर्नर चाहिए, आप दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए और वापस इस क्लोज पाथ पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे कॉर्नर मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप जाइए, मैं इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, या रहने देते हैं, आपको क्लियरेंस होगी यहाँ से देखने में। तो मैंने इस पर क्लिक किया,
ये कर्व बना। अच्छा, आपको लगे कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ रही है या कुछ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पूरा ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाद में आप उसको सही कर सकते हैं, ये हैंडल्स जो हैं उससे सही कर सकते हैं, और जो ये एंकर, ये जो सिलेक्शन टूल है, सब सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरा मतलब है, इसको क्लिक करके आप सही से एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि मेरा शेप इधर उधर हो रहा है, पहले आप पूरी ऑब्जेक्ट बना लीजिए। कॉर्नर पर मैं सिंपली क्लिक कर दे रहा हूँ, कॉर्नर हो जा रहा है। तो दो पार्ट्स ये हो गए, अब ये वाला पार्ट मैं बनाता हूँ, बस अब कर दूँ। अब ये इस वाले को बनाते हैं, याद रखिए अगर बीच में आप ऐसे बना रहे हैं और कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से ये हट जाता है, एस्केप हो जाता है, तो आप सोचेंगे कैसे आएगा, तो आप कुछ नहीं, आप दोबारा पेन टूल उठाइए और यहाँ पे जो लास्ट समय छोड़ा है आपने, एंकर पे जाइए, जब माइनस आ जाएगा बगल में तो क्लिक करिए और वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ कहीं आपको लगे कि कॉर्नर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम उसको सही कर लेंगे। ठीक है, अभी इस वाले को भी बना लेते हैं, तो उसे कर दें। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पे हमें लग रहा था कि कॉर्नर आ रहा है, अगर यहाँ पे लगता है तो इसमें देखिए आप राउंड शेप आ रहा है, ये CC 2000 लेटेस्ट वाले में है, आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं, और यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे एंकर पॉइंट थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, एरो की अपवर्ड मैंने क्लिक किया और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अगर कुछ है, आई गेस ठीक है, इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, और तो आई गेस ठीक है, और ठीक है फाइन ओके। अब हम इसको थोड़ा सा वापस अपने जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेयर्स पैनल ओपन करते हैं, अब मुझे चाहिए इसके अंदर येलो फिल करना है, तो हम वैसे भी येलो फिल कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। सभी को मैं क्लिक करता हूँ, सारे लेयर्स को एक साथ, क्योंकि सब में हमको मुझे येलो फिल करना है, सबको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अब मुझे मेरा फिल ऊपर है, मैं फिल में येलो भरना चाहता हूँ, तो मैं कलर पिकर ओपन करूँगा और ये येलो पिक कर दिया। आप देखेंगे कि येलो आ गया है, इस जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे पांच ऑब्जेक्ट्स में उसमें आ गया है। अच्छा, मुझे स्ट्रोक भी चाहिए, स्ट्रोक भी ब्लैक चाहिए, तो ये अभी सेलेक्टेड हैं सारे, देखिए सेलेक्टेड हैं, तो मैं सेलेक्टेड ही रखूँगा और इसको ऊपर करूँगा और यहाँ से ब्लैक फिल करूँगा। आप चाहे यहाँ से क्लिक फिल कर लीजिए कलर से, या यहाँ पर आप जाइए, यहाँ से आप ब्लैक फिल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ब्लैक आ गया है, लेकिन इसका जो लेंथ है, मतलब इसकी जो विड्थ बहुत कम है स्टॉक की, उसको मैं बढ़ाता हूँ, तकरीबन 4 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अभी देख लेते हैं लेयर में, यहाँ पे आप जाएंगे और मैं पिछला जो लेयर मेरा डायमंड वाला, उसको मैं ऑन करता हूँ। आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें हैं इसमें उभर के आ गई हैं सामने, ठीक है।
ठीक है, मुझे अभी अब चाहिए ये जो पीछे जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं मुझे वो ब्लू लेयर की बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इस लेयर को जो है सबसे नीचे बनाऊंगा, मतलब ये जो रेड है मेरा डायमंड, डायमंड और येलो के नीचे ही बनाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरा डायमंड यहाँ पे है और येलो ऊपर वाला लेयर है, लेयर थ्री है, तो मैं लेयर टू के नीचे वो जो है मेरा ये जो बनेगा रेक्टेंगल उसके नीचे बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैं इसको ऑन कर दिया और इस पर क्लिक करके यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये लेयर फोर बन गया। इसको मैं ड्रैग करके लेयर टू के नीचे ले जाऊँगा ताकि ये डायमंड के नीचे आ जाए। अगर ये लेयर आपकी डायमंड के ऊपर रहेगी तो ये कवर कर लेगी, आपको दिखेगा नहीं, आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं लेयर फोर को नीचे कर लिया और यहाँ पे जाके मैं इसको, इसकी कलर को मैं यहाँ पे मैं पहले रेक्टेंगल बनाऊँगा, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से जाके इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि ये फिल येलो था इसलिए येलो हो गया। मुझे पहले तो स्ट्रोक हटाना है, मैं स्ट्रोक हटा लिया और येलो की जगह मुझे ब्लू भरना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्लू, डार्क ब्लू चूज़ कर लेता हूँ, फाइन, ये अच्छा है और यहाँ से ये चीज़ भी ठीक है। तो अभी आपके सामने देखिए कितना बेहतरीन बन के आ गया सिर्फ पेन टूल से। ठीक है, तो अब हम ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा हो गया है, अब हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारा बैटमैन का लोगो था वो वाला भी हम बना लेते हैं। तो पहले मैं इसको क्लिक करके सबको अनलॉक कर देता हूँ, सबको कंट्रोल ए करके इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ। अच्छा, जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो, मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो बैटमैन का लोगो है। तो बैटमैन के लिए मैंने इमेज यहाँ से ले लिया, ये इमेज भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं, और मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली वैसे ही जाएंगे। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं न्यू डॉक्यूमेंट में बनाता हूँ, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में बनाने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस और वो हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका आर्ट बोर्ड मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये इधर जो होता है आपका ये वाला, ये आर्ट बोर्ड होता है, इससे आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ, क्या तकरीबन यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं फिर से यहाँ से लोगो ले लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये ब्लू लाइन है एम्बेड नहीं, एम्बेड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये एम्बेड हो गया। अच्छा, फिर से वही काम करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लेयर ले लेते हैं, इसको हमें ट्रेस करना है, तो इसलिए हम इसको सिंपली जाके यहाँ पे टेम्परेट करेंगे। ये आपका ओपेसिटी इसकी वैसी आ गई, धुंधली आ गई और ब्लर हो गया। अब जो हम नया लेयर लेंगे इस पे सारा काम करेंगे, ट्रेसिंग वगैरह का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर शुरू कर लेते हैं, अपना डिफ़ॉल्ट क्लिक करते हैं, पेन लेते हैं, ये फिल नहीं चाहिए हमें, नन कर देते हैं। और यहाँ से देखिए मैं पेन से ही बनाऊंगा जो बाहर वाली एलिप्स है, ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे बनाऊंगा और इसका मैं रिफ्लेक्ट लेके ये वाला बना लूँगा। ठीक है, तो मैं आधा ही पार्ट बनाऊंगा जो लेफ्ट साइड है, मैंने क्लिक किया है यहाँ पे। ओके, और मैंने इसके दबा दिया, सिर्फ मैंने देखिए हाफ लिया है, पूरा क्लोज नहीं किया मैंने पार्ट। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, इसी पार्ट को हम ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, उसको शिफ्ट के साथ उसको यहाँ मूव करते हैं। और ये देखिए इंटरसेक्ट जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको रोक देना है। और अब देखिए यहाँ पर ये आपका दोनों साथ में रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि दो पार्ट्स, दो एंकर पॉइंट्स को कैसे जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे है और राइट हैंड साइड का भी यहाँ पे है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया था कि इस पर आप जाइए और एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इस वाले दोनों एंकर को क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एल्ट शिफ्ट जे, ये ज्वाइन हो गया आपका।
इसी तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इस वाले पॉइंट दो एंकर को क्लिक करिए, मतलब सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल एल्ट शिफ्ट जे, ये भी देखिए ज्वाइन हो गया। अभी हमारा कंप्लीट एक पाथ आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमारा ये पार्ट हो गया, अब मुझे बनाना है ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक फिर से पेन ले लेता हूँ, ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने। एक मिनट देखिए, यहाँ पे सेलेक्टेड है, आपको याद रहे पेन सेलेक्शन टूल क्लिक करके बाहर कहीं क्लिक करना है ताकि सब डिसलेक्ट हो जाए और तब आपको वो चीज़ सही करनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपको ये लगे कि ये देखिए बाहर जा रहा है आपका लाइन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर दोबारा क्लिक करिए और जिधर से आपको लग रहा है कम हो रहा है, आप या तो हैंडल से सही कर लीजिए, कि मैं हैंडल से सही कर ले रहा हूँ, अंदर हो गया, और इस एंकर को थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, कि मैं कीबोर्ड से प्रेस करके वो कर ले रहा हूँ, हैंडल से इसको ज़रा सा, इसको भी कर लिया साइड, इस वाले एंकर को भी मैं कीबोर्ड से सही कर लिया। तो ये सब मतलब मिनिएचर जो है, आपको बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग करनी है और करनी भी चाहिए, तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ ये चीज़ें करनी है। मैं इसलिए आपको थोड़ी आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल हम मुझे पता है ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ और आप बाद में इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आउटर बन गई है, मैंने डिसलेक्ट कर लिया सबको, मैं वापस जा रहा हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, और पेन लिया, फिल नहीं चाहिए, नन कर दिया मैंने, और फिर से मैंने अंदर वाला ड्रॉ करूँगा, तो वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ से मुझे ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट मुझे ब्लैक चाहिए, इसलिए मैं जो ये वाला ले रहा हूँ, अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है हाफ, वो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कट करूँगा, ताकि मुझे ये वाला जो शेडेड ब्लैक है वो मुझे मिल जाए। कैसे होगा आप देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज़ पता चल जाएगी अभी। तो मैं बाहर कहीं भी आप ये शेप ले सकते हैं, मेन हमारा मोटिव है कि ये वाला ऑब्जेक्ट, ये लाइन से लेके ये वाला ऑब्जेक्ट कवर अप हो जाए, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ उसको। तो ये ज़रूरी नहीं है ये शेप कैसा भी हो सकता है, इसलिए मैं रैंडमली कर रहा हूँ, और वापस आके हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये पार्ट एक ब्लॉक हो गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये बन गया जो हम लोगों ने बनाया था, क्लोज्ड पाथ ये बन गया है, ठीक है। ये वाले ही पाथ में हमें ये ब्लैक कलर चाहिए, बट क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैक फिल करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है, पहले आप देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको डिटेल में समझा देता हूँ, ओके। तो पहले हम एक काम करेंगे, जो पिछला लेयर हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, जो पिछला था वो हमारा ये वाला लेयर था, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये लगे कि आपको ये वाला सेलेक्ट करना है जो पिछला लेयर है, तो पिछला वाला लेयर है उसके सामने एक रेड ब्लॉक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल एक बन के आ जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला ही जो है पार्ट वो सेलेक्ट हुआ है। तो जो पिछला हम लोगों ने बनाया था वो ये बड़ा वाला एलिप्स वो यही है, ठीक है। और इस वाले पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा जो अभी मैंने बनाया वो उस पे आ गया। तो अब पिछले वाले पे क्लिक करता हूँ, ये रेड हो गया, एक्टिव है। अब इसके अंदर मैं येलो फिल करता हूँ, ठीक है, मैंने कलर आई ड्रॉपर पिक किया और इसमें येलो फिल कर दिया, ओके। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस वाले पे क्लिक करेंगे जो अभी मैंने बनाया है ये बाहर से कट करके, इसमें मुझे फिल करना है ब्लैक, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे पीछे वाला नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको, ये जो आई बटन है इसको क्लोज कर दिया ताकि मुझे पीछे वाली चीज़ दिख जाए ओरिजिनल इमेज, और मैंने आई ड्रॉपर से लेके ये ब्लैक कलर ले लिया, ठीक है। अभी मैं वापस से ऑन करता हूँ आई, देखिए ये चीज़ है। अब क्या है कि येलो और ब्लैक दोनों दिख रहे हैं, पर मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। ये देखिए, रेड लाइन ये बता रही है कि जो पीछे एलिप्स है उसका आउटलाइन दिखा रहा है, मुझे ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए।
तो मैं यहाँ पे आपको शेप बिल्डर का काम बताऊँगा। ये शेप बिल्डर होता है, शेप बिल्डर ये काम कर देता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है आपको कट कर सकते हैं और यूनाइट कर सकते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। मुझे ये वाला पार्ट काटना है जो बाहर है और ये वाला रखना है, तो मैं शेप बिल्डर से करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, शेप बिल्डर लिया और ऐड दबा के बाहर, देखिए बाहर वाली भी क्लिक किया, ये शेड हो गया और ये हटा दिया मैंने, वो हट गई। अच्छा, वो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ और आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि सपोज़ हमारा कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, कोई मैंने यहाँ डिफॉल्ट ले लिया, देखिए अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, कोई भी कलर का ले लिया, वो येलो है, ठीक है, और दूसरा भी ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी इसका स्ट्रोक आप लोग को देखेंगे, दोनों ब्लैक है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को मुझे यूनाइट करना है, तो मैं शेप बिल्डर से क्या करूँगा, इसको करूँगा। तो पहले मैं इसको सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट कर लिया और शेप बिल्डर लेके आप देखेंगे यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब दोनों को आप ये जोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ से बाहर से लेके ऐसे ड्रैग कर दिया और आप देखेंगे बीच में वाली लाइन हट गई और ये दोनों, अगर सिलेक्शन से क्लिक करूँ, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ काटनी है तो आप उसको काट भी सकते हैं, दोनों भी, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वापस से दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैं इसको चाहता हूँ कि बाहर वाला ये वाला शेप कट जाए, तो आप फिर से जाइए, दोनों को सिलेक्ट करिए, सिलेक्शन टूल से शेप बिल्डर लीजिए और एल्ट प्रेस करेंगे। एल्ट, देखिए एल्ट मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये एरो के बगल में प्लस माइनस हो रहा है, जब माइनस आ जाए एल्ट दबाएंगे तब आप यहाँ पे जाके क्लिक करके ड्रैग करिए, ये इतना पार्ट हट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको किया है, तो ये कोई चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है। मैं वापस अपने ऑब्जेक्ट पर आ जाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ हो गई, अब मुझे इसी का रिफ्लेक्शन इस तरफ चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट किया, कॉपी लिया, उसको शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लिया, जहाँ पे इंटरसेक्ट आए वहाँ पे रिलीज़ कर दीजिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। अब आप पूछेंगे कि इसको ज्वाइन कर देना चाहिए, नहीं ये ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें मैंने जो ज्वाइन बताया था वो दो एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे दो एंकर हैं, यहाँ पे दो एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं सिलेक्शन से, डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक करके आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे चार दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो दो एंकर्स को ज्वाइन करने के लिए ये एक शेप है, हमें चाहिए कि इन दोनों को हम ज्वाइन करें, शेप बिल्डर से यूनाइट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमें ज्वाइन नहीं करना है एंकर्स को, हमें शेप को ही ज्वाइन करना है, तो शेप को ज्वाइन करने के शेप बिल्डर है हमारे पास, जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और शेप बिल्डर से जाके मैंने ऐसे कर दिया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, यहाँ से कर दिया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, ये दोनों, अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, वापस से मैं लेयर ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करके क्लोज कर दिया। अब मुझे चाहिए कि अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए जो मेन वाला है, ठीक है। तो हम जो अपना लेयर बना चुके हैं, इसको, ये वाला जो लेयर है ब्लैक और येलो, इसको मैं हाइड करता हूँ और लॉक कर देता हूँ और इसके ऊपर एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ ताकि मैं इस पर ये बैटमैन वाला जो मेन है पार्ट वो बना सकूँ, ठीक है। इसको मैं पेन टूल से बनाऊँगा, तो मैंने डिसलेक्ट कर लिया, क्लिक करके बाहर डिफॉल्ट किया, पेन टूल लिया और फिल नहीं चाहिए, फिल को नहीं कर दिया और थोड़ा सा जूम कर लेंगे और पेन से यहाँ से इसको बनाएंगे। देखिए मिडिल से मैं शुरू कर रहा हूँ जहाँ से लाइन दिखा रही है, कर्व आपकी इधर उधर जाएगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बताया, बाद में आप उसको सही कर सकते हैं, पहले आप ऑब्जेक्ट पूरा बनाना है, वो उस पर आप फोकस करेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक किया,
ये आप सब पेन टूल से आप प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी दूर तक स्ट्रेच करना है हमें, कितना हैंडल रखना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी रहेगा आपको अंदाज़ा लगाने के लिए। ठीक है, इसको भी मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, मैं हाफ बनाऊँगा। एस्केप दबा दिया, इतना रहने दिया, और मैं उसी इस पार्ट को जो मैंने बनाया उसी को रिफ्लेक्ट करूँगा राइट हैंड साइड की तरफ। ट्रांसफॉर्म किया मैंने, रिफ्लेक्ट किया, कॉपी करके इसको शिफ्ट करूँगा, मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगा और इंटरसेक्ट पर आके ला के छोड़ दूँगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मेरा एंकर है, दो एंकर पॉइंट्स हैं, यहाँ भी दो एंकर पॉइंट्स हैं, तो हमें इसको ज्वाइन करना है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे आपको सिर्फ वही दोनों एंकर सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ से फिर कंट्रोल एल्ट शिफ्ट जे कर लिया, ये ज्वाइन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल्ट शिफ्ट जे किया, ये आपको ज्वाइन करके दे देगा। अच्छा अब इसके अंदर मुझे चाहिए ब्लैक कलर, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आई ड्रॉपर लूँगा और अंदर वाला कलर क्लिक करके ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब मैं जो दोनों मेरे पार्ट्स थे येलो और ब्लैक वाले, ये और ये वाले, इसको मैं रिवील करता हूँ, इसकी आई ओपन करता हूँ। अब अभी आप देखिए कितना बेहतरीन बन गया ये। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं था, ये काफ़ी आसान था और मेरे ख्याल से आप लोग को ये पसंद आया होगा। और इसमें आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरीके की और बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप बना सकते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे बताया है कि दिखाया भी है कि अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स बना के, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल्स आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे बताइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दी करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करते रहिए हमें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बनाते रहूँ। और आगे मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।